पोएम वन हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक मीन्स होता है लुका छुपी। तो बच्चों आप लोग लुका छुपी का गेम आप सभी ने खेला होगा। इस पोएम के अंदर भी एक लड़का है, एक चाइल्ड है, जो कि हाइड एंड सीक खेलता है अपने दोस्तों के साथ में। तो उसका जो फियर है, उसको क्या क्या डर लग रहा है, उसको कैसे घबरावट होती है और वो गेम्स में किस तरह से इंजॉय करता है या उसको गेम कैसा लगता है, इस बारे में पूरी पोएम के अंदर लिखा हुआ है। तो देखते हैं। द ट्रीज आर टॉल बट द मून स्मॉल, मतलब पेड़ बहुत ही लंबे हैं और मून, मतलब के पेड़ बहुत लंबे हैं और मून छोटा सा दिख रहा है, मतलब चांद उसे छोटा सा दिखता है, पेड़ बहुत लंबे दिखते हैं। माई लेग्स फील रेदर वीक, तो बच्चा बोलता है उसके जो पैर हैं वीक, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, उसके जो लेग्स हैं पैर हैं वो थोड़े से लड़खड़ाते हैं। क्यों लड़खड़ाते हैं आगे देखते हैं। फॉर डेविस लेविस एंड जॉन क्लार्क आर हाइडिंग समवेयर इन द डार्क, मतलब उसके जो दोस्त हैं, जो चाइल्ड है, उसके फ्रेंड्स हैं डेविस लेविस जॉन और क्लार्क, ये चारों कहीं अंधेरे में हाइड, हाइड मतलब होता है छिप जाना, ये अंधेरे में कहीं पे छिप गए हैं क्योंकि वो गेम्स कौन सा खेलते हैं, हाइड एंड सीक प्ले कर रहे हैं, वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। ठीक है, हाइड एंड सीक में आपको पता ही है, एक बच्चा उसको सीक करना होता है, उसे पता लगाना होता है और सारे फ्रेंड्स अपना अपनी जगह पे कहीं पे भी जाके ऐसी जगह पे छुपते हैं ताकि जिसका टर्न होता है वो पता नहीं लगा पाए। तो इस टाइप से उसके फ्रेंड्स कहीं ऐसी जगह अंधेरे में छुप गए हैं और उससे मिलते नहीं हैं। एंड इट्स माई टर्न टू सीक, और ये देखिए बच्चे छुप रहे हैं, है ना, और ये इसका बच्चे का टर्न है, चाइल्ड का टर्न है, जिसने पूरी पोएम लिखी है उसका टर्न होता है फाइंड करने का, है ना, उसका टर्न होता है सीक करने का, पता लगाने का। तो अब उसका टर्न है, सारे दोस्त कहीं पे अंधेरे में छुप जाते हैं। सपोज दे ले अ ट्रैप एंड प्ले अ ट्रिक टू फ्राइटन मी, सपोज दे प्लान टू डिसअपीयर एंड लीव मी हियर हाफ डेड विथ फियर ग्रोपिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। इट मीन्स के जो चाइल्ड है वो सोचता है कि सपोज कभी ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि जो बच्चे हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं डेविस लेविस जॉन क्लार्क, ये सब कहीं पे एक प्लान करते हैं, एक प्लानिंग करके और ऐसा जाल बिछाते हैं, ऐसा प्लान करते हैं और उसे डराने के लिए एक ट्रिक खेलते हैं, है ना, उसे डराने के लिए एक को ट्रैप करते हैं, मतलब एक ऐसा प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं, सपोज दे प्लान टू डिसअपीयर, सपोज करो कि यदि सारे जो उसके फ्रेंड्स हैं वो अगर कहीं घर अपने उस बच्चे को अंधेरे में वहीं छोड़कर, अगर सारे दोस्त उसे वहीं छोड़कर अपने अपने घरों पर चले जाते हैं तो हाफ डेड विथ फियर, तो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो आधा तो डर के मारे ही मर जाएगा। ग्रोपिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, ग्रोपिंग, ग्रोपिंग मतलब होता है कि भटकना। अगर सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए तो बच्चा क्या करता रह जाएगा, एक पेड़ से, एक ट्री से दूसरी ट्री की तरफ वो ग्रोपिंग करता रह जाएगा, मतलब भटकता ही रह जाएगा। एलोन एलोन ऑल ऑन माई ओन, ठीक है, बच्चा अकेला ही रह जाएगा, एलोन एलोन बच्चा अकेला ही रह जाएगा। एंड देन परहैप्स टू फाइंड नॉट डेविस लेविस एंड यंग जॉन, और बहुत ढूंढने पे भी उसे कोई भी उसके फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, डेविस लेविस और जॉन जो उसके फ्रेंड्स हैं वो कोई भी उसे अगर नहीं मिलेगा तो वो आधा तो डर के मारे ही मर जाएगा, ऐसा जो नैरेटर है, जो पोएट है वो कहते हैं। बट मॉन्स्टर्स टू रन श्रीकिंग फ्रॉम मेड मॉन्स्टर्स ऑफ नो कॉइन, मॉन्स्टर्स, तो अंधेरे में बच्चे को बहुत ही डर लगता है और उसे मॉन्स्टर के यानी कि घोस्ट के आने का, भूत के आने का भी उसे डर लगता है क्योंकि वो पेड़ से पेड़, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कहीं भी जंगल में, उसे इस टाइप से जहाँ पे वो गार्डन में खेल रहे हैं वहाँ पे उसके कोई भी फ्रेंड्स उसे नहीं मिलते हैं, तो उसे मॉन्स्टर का डर लगने लगता है कि कोई मॉन्स्टर या घोस्ट नहीं आ जाए, क्योंकि मेड मॉन्स्टर्स ऑफ नो काइंड, मतलब जो आवाज़ है उसको चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, पेड़ों पे से उसे अलग अलग आवाज़ आती है, तो आवाज़ें सुनकर
बच्चा बड़ा डर जाता है और वो सोचता है कि मॉन्स्टर का तो कोई काम भी नहीं होता, ना ही उनकी कोई विशेष कोई आवाज़ होती है ना। तो इस तरह से बच्चे ने अपनी मनोस्थिति का वर्णन इस पूरी कविता के अंदर किया है। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।